Let's restart. मैं extrinsic semiconductors समझा रहा था और extrinsic semiconductors में मैंने n type semiconductor समझाया था. मैंने यह समझाया था whenever semiconductor crystal that is silicon or germanium is added with fifth group impurity. Fifth group impurity means phosphorus or arsenic. Then we have got an additional free electron or यह जो free electron होता है conduction band के हल्का सा नीचे होता है Fermi level पर मतलब 0 degree Kelvin पर room temperature पर यह free electron conduction band में आ जाता है और इस तरह से fifth group impurity क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन पर्पस दैट्स व्हाई फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी इज आल्सो टर्म्ड एज डोनर इंप्योरिटी फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी को हम डोनर इंप्योरिटी भी कहते हैं बिकॉज इट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन पर्पस एंड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड We call it N-type semiconductor because in this semiconductor, negatively charged electron are the major current carrier. जो negatively charged electron है, वह major current carrier है. इसीलिए हम इसे N-type semiconductor कहते हैं. Now let's discuss another extrinsic semiconductor that is P-type. Semiconductor. In this, silicon or germanium is added with third group impurity, that is either aluminium or indium. The fourth group impurity is added with third group impurity. अब देखिए किस तरह की सिचुएशन बनेगी जैसा मैंने बताया है कि मेल्ट करके मेटालर्जिकली यह फ्यूजन करा जाता है सिलिकन जर्मेनियम को मोल्टन फॉर्म में लाते हैं एल्यूमिनियम इंडियम को भी हम हाई टेम्परेचर पर हीट करके मोल्टन फॉर्म में लाते हैं और मोल्टन स्टेट में हम इन्हें मिला देते हैं कितना मिलाना है इट्स नॉट मिक्स्ड इन लार्ज अमाउंट दिस इम्प्योरिटी इज एडेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 0.1-3% इतने मात्रा में हम इसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं और वहां पर लैटिस क्रिस्टल में कुछ लैटिस पॉइंट पर सिलिकन की जगह इंप्योरिटी एटम्स ऑक्यूपाई कर लेती है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा मैं सिलिकन के कुछ एटम्स दिखाता हूं और इनके बीच में एक एल्यूमिनियम का एटम हमें दिखेगा अब सिलिकन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन हैं और यह चारों इलेक्ट्रॉन आसपास के चार सिलिकन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाकर रखते हैं ऑल्दो यह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है मगर बोर्ड पर इस प्लेन पर मैं प्लेन के द्वारा दिखा रहा हूं और एक एक सिलिकन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आसपास के चार सिलिकन से जुड़े हुए होते हैं अब बीच में एक एल्यूमिनियम का एटम आपको दिख रहा है इस तरह से हर एक सिलिकन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है
अब मगर एल्यूमिनियम जो कि थर्ड ग्रुप में है, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ तीन ही इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बीच में जो एक एल्यूमिनियम आ गया है, यह आसपास के तीन सिलिकॉन के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा और इस तरह से सिचुएशन दिखने लगेगी। ऑब्जर्व दिस सिचुएशन केयरफुली। जरा ध्यान से सिचुएशन को देखें। हर एक सिलिकॉन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लगाकर इस तरह से बॉन्डिंग कर रखी है। हर एक सिलिकॉन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है क्योंकि उसके आसपास आठ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। चार तो उसके स्वयं के हैं और चार आसपास के सिलिकॉन एटम्स के हैं। अब अपना ध्यान लगाइए एल्यूमिनियम के उस एटम पर जो इन सिलिकॉन के बीच में आकर अटका हुआ है। मेटलर्जिकली डाला गया, इसलिए इसने एक सिलिकॉन को हटाया और उसकी जगह ले ली। क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है, क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई समस्या नहीं है। जरा देखिए इस एल्यूमिनियम की तरफ देखिए। इस एल्यूमिनियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन थे, इस एल्यूमिनियम ने तीन इलेक्ट्रॉन तो आसपास के तीन सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग में लगा दिए, मगर इस जगह पर सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो रख रखा है मगर एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। इस जगह पर हम कहते हैं कि एक वैकेंसी है, एक वॉइड है। मैं इसे डॉटेड लाइन से दिखाता हूं। इस जगह पर एक वैकेंसी है, इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करा जा सकता है। ऑल्दो यदि इस जगह पर हम इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो उसकी एनर्जी उतनी नहीं होगी जितनी बाकी के आसपास के इलेक्ट्रॉन्स की है। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सामान्य इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा होगी क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन जब डाला जाएगा तो वह इस जगह पर क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को असर करेगा। एल्यूमिनियम के आसपास अभी उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने उसके पास में प्रोटॉन्स हैं। यदि इस जगह पर हम इलेक्ट्रॉन को डालते तो इलेक्ट्रॉन आ तो जाएगा मगर उस इलेक्ट्रॉन के पास सामान्य इलेक्ट्रॉन से थोड़ी अधिक एनर्जी होगी क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन उस क्रिस्टल को उस जगह पर निगेटिवली चार्ज बनाएगा। वह उस एरिया की, उस स्पेस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को असर करेगा। अब इस स्थिति में जीरो डिग्री केल्विन पर हम जरा एनर्जी की कंडीशन सोचते हैं क्या होगी। फर्मी लेवल पर एट जीरो डिग्री केल्विन, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। यह कंडक्शन बैंड, यह वैलेंस बैंड। जीरो डिग्री केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन्स
वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब हम जरा सोचें कि यह जो एक होल है, 0 डिग्री केल्विन पर यह एक होल भी दिखाई दे रहा है, एक वैकेंसी दिखाई दे रही है, एक वॉइड दिखाई दे रही है। इस वॉइड पर एक इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को इस वॉइड पर डाला जा सकता है। इस वॉइड की पोजीशन हमारे इस एनर्जी बैंड में, हमारे इस एनर्जी लेवल में कहां पर होगी? हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन इस होल में, इस स्पेस में, इस वैकेंसी में डाला जाएगा, वह अल्टीमेटली आसपास के सिलिकॉन की और इस एल्यूमिनियम की ऑक्टेट को कंप्लीट करने में मदद करेगा, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने में, इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने में मदद करेगा। इसका मतलब इस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा उसकी एनर्जी वैलेंस बैंड एनर्जी के कहीं आसपास होगी, मतलब उस होल की एनर्जी को हम वैलेंस बैंड एनर्जी के कहीं आसपास कहेंगे, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन डाला जाना है वो अल्टीमेटली वैलेंसी में मदद करने लगेगा। मगर क्या वैलेंस बैंड के बराबर होएगा या वैलेंस बैंड से कम होएगा या वैलेंस बैंड से ज्यादा होगा? हम कहेंगे वैलेंस बैंड से कम तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। इस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा उसकी आसपास के सामान्य इलेक्ट्रॉन, कॉमन जनरल इलेक्ट्रॉन जो है, उनसे हल्की सी एनर्जी ज्यादा इसलिए होनी है क्योंकि वो इस जगह पर नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा। एल्यूमिनियम के पास उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन तो उसके पास जितने थे उतने इलेक्ट्रॉन है। वो उस क्रिस्टल को उस जगह पर निगेटिवली चार्ज बनाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि यह जो होल है, यह होल की एनर्जी फॉरबिडन गैप में होती है और फॉरबिडन गैप में हल्का सा वैलेंस बैंड से ऊपर होती है। दिस इज द एनर्जी ऑफ दोस होल्स एट 0 डिग्री केल्विन। फर्मी लेवल पर क्रिस्टल का, 0 डिग्री केल्विन पर क्रिस्टल का एनर्जी स्टेट इस तरह से होता है। वी यूज टू कॉल इट फर्मी स्टेट ऑफ फर्मी लेवल। अब जब इस क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पर लाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाकर रूम टेम्परेचर करा जा रहा है, तो जैसा मैंने कहा कि थर्मल एजिटेशन होता है, थर्मल एक्साइटेशन होता है, 0 डिग्री केल्विन पर इलेक्ट्रॉन में कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, कोई वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होती। मगर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाए उसका वाइब्रेशन बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी एक फिक्स वैल्यू होने के बजाय एक पर्टिकुलर रेंज में दिखने लगती है। जब रूम टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो यह जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, यह इस होल को फिल करेंगे, यह इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को फिल करेंगे, न केवल यह इलेक्ट्रॉन इन होल्स को फिल करेंगे बल्कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो काफी सारी एनर्जी गेन करके, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हो रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स काफी सारी एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से यह वॉइड फिल हो गई
और वहां पर वैलेंस बैंड में होल्स बन जाएंगे, जहां पहले इलेक्ट्रॉन्स थे वहां अब होल्स बन जाएंगे। इस तरह से इधर होल्स बन गए। इस तरह से कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए। यह कहिए इस कंडीशन में मैं दिखाऊं तो इस जगह पर बॉन्ड कंप्लीट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इधर जब इलेक्ट्रॉन आया तो किसी एक जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट हुई। इसके अलावा लेटर से इस जगह से भी एक इलेक्ट्रॉन भटक गया और एक इलेक्ट्रॉन भटक कर इस जगह पर दिखाई देने लगा। दिस वुड हैपन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, येट इट डज नॉट मीन कि क्रिस्टल की अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई है। ओवरऑल क्रिस्टल हैड रिमेन्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आई मीन टू से क्रिस्टल में जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, क्रिस्टल में उतने ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब इस क्रिस्टल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी, क्रिस्टल के एक तरफ पॉजिटिव फील्ड लगा देते हैं, एक तरफ नेगेटिव फील्ड लगा देते हैं। इस तरफ क्रिस्टल के पॉजिटिव फील्ड लगा दी गई जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इस तरफ क्रिस्टल के नेगेटिव फील्ड लगा दी गई। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा जरा देखें। यह जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो कि अपनी जगह छोड़कर दूर निकल आया है, जिस पर आसपास के किसी एटम का कोई फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, आसपास का कोई एटम जिसको कहीं किसी तरह से खींच नहीं रहा है, अपने पास रखना नहीं चाहता है, जो एक तरीके से बिल्कुल मस्त है, कहीं पर भी घूम फिर सकता है, भटक सकता है, एटलीस्ट क्रिस्टल सरफेस पर, क्रिस्टल के अंदर कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि उसने उतनी एनर्जी एक्वायर कर ली और अपनी जगह छोड़कर उस जगह से तो बहुत दूर निकल गया। यह इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव फील्ड के लगाने पर पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। और अब जरा हम देखें होल्स जो बने, होल्स हमें बने हुए दिख रहे हैं। एक तो होल इधर दिख रहा है, इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि नहीं है, और इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि नहीं है। यह इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव फील्ड की तरफ आना चाहेगा। यह इलेक्ट्रॉन इस होल को देखेगा, यह इलेक्ट्रॉन देखेगा कि जितनी एनर्जी उसके पास इधर है एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी वो इधर चला जाए तो उसकी होगी। इधर से इधर जाने के लिए इसे कोई एडिशनल एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। बिना कोई एनर्जी लिए यह इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा, और जब यह इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो गई, मतलब इस जगह पर होल बन गया। वाकई में तो इलेक्ट्रॉन ने इधर से इधर जंप मारी है,
मगर हमें अपेरेंटली क्या दिखा है? ऐसे होल इधर से इधर जंप मार गए। इसी तरह से अगले स्टेप में यह इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा और होल इधर से इधर जंप कर जाएगा। होल विच इज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यही फिनोमेना इधर भी होगा। यह इलेक्ट्रॉन जो इस जगह पर है जिसके पास में कुछ एनर्जी है वह यह देखेगा कि बिना कोई एडिशनल एनर्जी लिए बिना कहीं से कोई एनर्जी गेन करे वह इधर से इधर जंप मार सकता है क्योंकि इधर भी उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी जितनी इधर है और वो ऐसा करेगा। वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप मार जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप मारा है मगर हमें क्या दिखेगा? ऐसे होल इधर से इधर चला गया। होल का मूवमेंट टुवर्ड नेगेटिव फील्ड होने लगेगा। यदि इस सिचुएशन को हम फर्मी लेवल पर इस एनर्जी लेवल पर यदि दिखाने की कोशिश करें हम कहेंगे क्रिस्टल पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव फील्ड जब लगाई जाएगी तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है वह पॉजिटिव फील्ड की तरफ ड्रिफ्ट होने लगेंगे जबकि जो होल वैलेंस बैंड में है वह नेगेटिव फील्ड की तरफ मूव होने लगेंगे। होल वुड बिहेव एस ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इस वजह से इस क्रिस्टल में द मेजर करंट कैरियर वुड बी होल। होल इन वैलेंस बैंड क्योंकि वैलेंस बैंड में होल काफी ज्यादा है कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन काफी कम है। होल इन वैलेंस बैंड वुड बी मेजर करंट कैरियर पॉजिटिवली चार्ज होल। होल में बी ट्रीटेड एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। They are major current carrier. That's why they are termed as P-type semiconductor. The second type of extrinsic semiconductor we call it P-type semiconductor. In this P-type semiconductor, this aluminium and indium they generate a hole which may accept an electron. एल्यूमिनियम इंडियम थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी ये एक होल जनरेट कर रहे हैं और वह होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इंप्योरिटी इज ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सेप्टर इंप्योरिटी। एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी हम कहते हैं बिकॉज दिस इंप्योरिटी एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। वंस अगेन In this impurity, number of holes is much, much larger as compared to number of electrons. Although this expression would always hold, Ne into NH would be equal to N square. Here N is a constant. Means वैलेंस बैंड में होल्स के बढ़ने से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है। हम ऑलरेडी जानते हैं वन अपॉन रेजिस्टिविटी विच इज कंडक्टिविटी इज ई इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स इंटू
मोबिलिटी ऑफ होल्स। यह एक्सप्रेशन हमने किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के लिए जनरलाइज्ड पैटर्न में ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर वी यूज टू से सिंस एनएच इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एनी दिस टर्म वुड बी नेग्लिजिबल। यह जो टर्म होगा यह नेग्लिजिबल होगा। हेंस फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर वन में राइट दैट कंडक्टिविटी इज नियरली इक्वल टू NH into mu H into E। Since holes are the major current carrier, although हम इधर एक बात बता दें, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले होल्स की मोबिलिटी हल्की सी कम होती है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, होल्स की मोबिलिटी कम होती है। इस वजह से यदि हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएं, व्हाट डू आई मीन बाय दिस स्टेटमेंट, मैं दोबारा बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले होल की मोबिलिटी कम होती है। इसका मतलब है कि मैं क्रिस्टल के अक्रॉस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, क्रिस्टल के अक्रॉस यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं। यदि यह एन टाइप क्रिस्टल होता तो वैलेंस कंडक्शन बैंड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते, वह इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती। बनिस्बत पी टाइप सेमीकंडक्टर में इन होल्स के वी यूज टू से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स व्हेन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। हमने पहले ही समझा रखा है मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम कहते हैं यदि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाए, दोनों में इंप्यूरिटी का कंसंट्रेशन सेम रखें, दोनों में इंप्यूरिटी का कंसंट्रेशन सेम। मान लीजिए दोनों में हमने 1% इंप्यूरिटी डाली, सिलिकॉन लिया उसमें 1% हमने फास्फोरस डाला, दूसरे केस में सिलिकॉन लिया 1% हमने एल्यूमिनियम डाला। सिलिकॉन में 1% फास्फोरस डालने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड उतने ही होंगे जितने 1% एल्यूमिनियम डालने से नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ये एन की वैल्यू दोनों में सेम हो जाएगी यदि हमने कंसंट्रेशन सेम रखा तो। ई होल्स पर भी प्लस ई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस ई चार्ज है, चार्ज दोनों में सेम हो गया। मगर म्यू म्यू मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मोबिलिटी ऑफ होल्स कम है। इस वजह से हम क्या पाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी रिलेटिवली कम होगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम इस तरह से भी नोट कर देंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर वुड बी डिनोटेड लाइक दिस। हम इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिनोट करेंगे एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर वुड बी डिनोटेड लाइक दिस।
और सम टाइम एन टाइप सेमीकंडक्टर में ई भी लिख दिया जाता है, नेगेटिव चार्ज दिखाने के बजाय ई भी लिख देते हैं कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात इधर और समझे, हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में ई करके इलेक्ट्रॉन लिखे या नेगेटिव चार्ज करके माइनस माइनस साइन दिखाए, दैट डज नॉट मीन कि क्रिस्टल के पास नेगेटिव चार्ज है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम एचएच लिख जरूर है, इसका यह मतलब नहीं है कि क्रिस्टल के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोनों ही क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एन टाइप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पी टाइप भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दोनों में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बस एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब यह है कि इस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, जो क्रिस्टल के अंदर है, जो किसी भी एक फिक्स या निश्चित जगह पर बंधे हुए नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर यह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर सकते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि क्रिस्टल के अंदर ढेर सारे होल्स हैं जिनकी कोई निश्चित जगह नहीं है, जो फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर नेगेटिव फील्ड की तरफ ड्रिफ्ट कर सकते हैं। अब हमने सॉलिड स्टेट में तीन तरह के डिफेक्ट देखे हैं। एक हमने देखा है शॉटकी डिफेक्ट, एक हमने देखा है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट और एक हमने देखा है फ्रेंकल डिफेक्ट। मैं एक और बार रिकॉल करा दूं, शॉटकी डिफेक्ट में फ्यू पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट में फ्यू फॉरेन पार्टिकल ऑक्यूपाई वॉइड्स और फ्रेंकल डिफेक्ट में पार्टिकल गेट डीलोकलाइज्ड फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाई वॉइड्स। हम कहते हैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है तभी वह कंडक्ट करने लगते हैं। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है तभी वह कंडक्ट करने लगते हैं, बिना डिफेक्ट के वह